बर नौ रघुवर बिमल सोदायक फल बुद्धिहीन तन जाल के मैं सुमरऊ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मुए हरऊ कले कंठ बैठ बांसुरी स्वती धरू तुम्हारो ध्यान लोहरे राम सती गुरु मिले
20 रुपए का पुरस्कार मिला है हमारे चौधरी साहब पप्पू राम जी बाथरेन वाले इस मंडल को नाम देते हैं धन्यवाद साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जी व अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय मेरे संत भगवानों, पिता तुल्य बुजुर्गों व सती सावित्री अनसुईया जैसी मेरी मातृशक्ति श्री साथियों व नवयुवकों बालक बालिकाओं, जय श्री। सबसे पहले सभी जो गुरुजन है, पार्टियां, बाहर से श्रोतागण, सभी का हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और दिल की गहराई से सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। हेलो, जो आपने दर्शनी कीर्तन मंडल आगामी पार्टी तैयार रहे सूचित किया जाता है उनके लिए, अपना कीमती समय निकाल कर और हमारे कार्यक्रम की शोभा बनाई। तो बंधुओ, प्रसंग है कि जिस वक्त और भोलेनाथ बाहर थे तो माँ पार्वती और ये सोचने लगती है कि हमारे कैलाश में बड़ी अशांति है, यहाँ पर कोई भी नियम संयम नहीं है। तो माँ पार्वती के दिल में एक विचार आता है कि कोई ऐसे देव की स्थापना करी जाए जिससे आने वाली सृष्टि को भी सुविधा हो और सारे कार्य सिद्ध हों। तो माँ पार्वती और गणेश जी को उत्पन्न कर देती हैं। तो भोले जी जैसे ही रोजाना की तरह कैलाश में आते हैं तो गणेश जी की ड्यूटी पार्वती जी ने लगाई थी कि आपके बिना अंदर ना कोई आएगा ना बाहर जाएगा। तो जैसे ही भोलेनाथ रोजाना की तरह और कैलाश में प्रवेश करते हैं तो गणेश जी उनको द्वार पर रोक देते हैं। तो बंधुओं, भोले बाबा इस बात को देखकर कि मेरे ही कैलाश में और मुझे रोकने वाला कौन पैदा हो गया, तो भोले बाबा क्रोध हो जाते हैं और गणेश जी का शीश काट देते हैं। तो बंधुओं, जैसे ही इस बात की और माँ पार्वती को खबर पहुंचती है तो पार्वती जी और बिलख जाती हैं और दहाड़ मार करके रोदन करने लगती हैं और भोले बाबा से क्या कह रही हैं वो रतन मास्टर आगे कथे के माध्यम से बताओ।
इस प्रकार और पार्वती जी कहने लगती हैं, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या असमंजस कार्य कर दिया। ये तो हमने जो सृष्टि में जो विघ्न उत्पन्न होते थे उनके लिए और विघ्नहर्ता यानी गणेश की उत्पत्ति की थी, तो भोलेनाथ और पार्वती से क्या कहने लग रहे। शिव शंकर यो के पुरस्कार रमेश जी भरितर इस पार्टी को नाम लेते धन्यवाद साहब, और ये 50 रुपए राम स्वरूप फौजदार जी इस मंडल को नाम लेते धन्यवाद साहब, जब ये भोले बाबा को, और 20 रुपया एक कटारे वाले मास्टर जी देते इस पार्टी को धन्यवाद साहब। जब ये बजट होता है कि ये तो पार्वती जी ने और बहुत ही यानी विघ्नों के लिए और प्रकट किए थे, तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भोले बाबा और पार्वती से कहने लगते हैं, हे पार्वती जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इनको और अभी सर जीवन कराएंगे। तो भोले बाबा अपने गणों को बुलाते हैं और उनके लिए क्या मार्ग बतलाते हैं, वो रत्न मार्ग बतलाते हैं।
एक टाइम ज्यादा जाओ पार्टी बनाओ।